चूंकि इसका दाना बहुत छोटा होता है तो आप आधा कप, मेजरिंग कप, आधा कप तकरीबन उसमें 4 से 5 जो है वो सिया अमलोक होते हैं। स्वीट की रिप्लेसमेंट होती है कि जहाँ दिल चाह रहा होता है कि कुछ मीठे में खाया जाए, तो वहाँ इस तरह के ड्राई फ्रूट्स जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। ये एज अ ड्राई फ्रूट बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, इस इम्यून बूस्टिंग के तौर पे काम करता है। रहली सदरी वयस्से ली अमरी वह लुलुब्दतम लिसानी यफ़ाव काली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सनिया बशीर, यर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। उम्मीद है कि विंटर एंड डायबिटीज सीरीज को आप एंजॉय कर रहे हैं और सर्दियों में अपनी शुगर्स को कंट्रोल बनाने के लिए जो टिप्स हमने बताई हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। जहाँ बात आती है सर्दियों की, वहीं बात आती है खुश्क मेवाजात की। और जब खुश्क मेवाजात की बात आती है तो बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट के बारे में तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं और बहुत सारे लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। हमारे खास तौर पे जो नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं या जो अपर पंजाब की साइड पर रहते हैं, वहाँ इस तरह के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। तो आप लोगों की ही फरमाइश पे एक ड्राई फ्रूट मुझसे शेयर किया गया कि इसके बारे में बताएं कि हम बात करेंगे आज सिया अमलोक के बारे में, जो कि ब्लैक अमलोक होते हैं, ब्लैक पर्सिमन भी कहलाते हैं, खुश्क अमलोक के नाम से भी है, कि आया ये शुगर के पेशेंट्स खा सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, कितनी क्वांटिटी खानी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी पसंद है तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जी हाँ, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोज में अमलोक का जिक्र कर चुके हैं जो कि फ्रेश अमलोक होता है और डेफिनेटली उसके अंदर मौजूद शुगर कंटेंट जो है वो डायबिटीज के पेशेंट्स को इसके रेस्ट्रिक्टेड पोर्शंस यानी कि कम क्वांटिटी में खाने की इजाजत होती है। जहां तक बात करते हैं सिया अमलोक की, तो यानी कि वो अमलोक जो कि ड्राइड फॉर्म है, खुश्क अमलोक है, ब्लैक कलर में आता है, इसके अगर हम उसको फ्रेश अमलोक से कंपेयर करें तो यकीनन इसके अंदर भी शुगर का कॉन्टेंट ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर साथ में फाइबर का कंटेंट भी मौजूद है। इसके अपने ड्राई फ्रूट होने की कैटेगरी में इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। यकीनन ये एज अ ड्राई फ्रूट बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, इस इम्यून बूस्टिंग के तौर पे काम करता है और ख़ास तौर पे सर्दियों में आपको जिस्म को एज अ जो ड्राई फ्रूट है वो यकीनन एक हीटिंग भी प्रोवाइड करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। और डायबिटीज पेशेंट्स के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक स्वीट की रिप्लेसमेंट होती है कि जहाँ दिल चाह रहा होता है कि कुछ मीठे में खाया जाए, तो वहाँ इस तरह के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन जहाँ तक बात की जाती है कि डायबिटीज के पेशेंट्स सिया अमलोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शन जो फ्रेश अमलोक के बारे में है वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर भी है। और चूंकि इसका दाना बहुत छोटा होता है तो आप आधा कप, मेजरिंग कप, आधा कप तकरीबन उसमें 4 से 5 जो है वो सिया अमलोक होते हैं, जो कि आइडियली रिकमेंडेड है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो हम अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि कोशिश करें कि आप इसे 4 से 5 भी ना लें, आप इसे 2 इस्तेमाल करें और मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें, उसका बीज हटा दें और उसको जो है वो बादाम या पिस्ते इस तरह की चीज़ों के साथ मिला के, जो क्वांटिटी हमने बादाम की बताई है उसके साथ आप मिला के इस्तेमाल करें कि इंस्टेड ऑफ के आप 4-5 एक साथ खा लें, जो कि इसके हाफ कप में तकरीबन आपको 30 ग्राम कार्ब मिलता है। लेकिन इसके अंदर चूंकि फाइबर ज़्यादा होता है तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन इज देयर, इसके अंदर शुगर का कॉन्टेंट मौजूद है, तो आपने कम क्वांटिटी को नज़र में रखना है। तो सिया अमलोक के अपने बेनिफिट्स हैं, डेफिनेटली इम्यून बूस्टिंग है, आपके कब्ज की शिकायत को दूर करता है, अगर हाजमा सही नहीं रहता तो वो बहुत अच्छा है, अगर जो है वो बॉडी में होने वाली जो तोड़ फोड़ है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उसके लिए बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली बेनिफिट्स आर देयर, लेकिन इसकी रिस्ट्रिक्शंस और इसके सर्विंग साइज का प्रोटोकॉल अपनी तरफ, तो मिक्स करके खाइए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप सीड्स शामिल कर लें उसके अंदर, या फिर आप जो है वो इसको 1 या 2 क्वांटिटी से ज़्यादा ना खाएं, अदरवाइज वो शुगर्स को बढ़ाने में रोल प्ले करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और मज़े मज़े की चीज़ों के साथ जो कि आपकी विंटर को बनाएगा बेहतर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
है।